कल का सितारा आज किस कदर गर्दिश में है, ये दुनिया ऐसी है या ये देश ऐसा है। आज महिला दिवस है और हमारे साथ तमाम महिला गेस्ट्स, प्रोमिनेंट महिलाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक नाम कमाया है, घर को संभालते 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 हुए परिवार को संभालते हुए बाहर भी एक नाम कमाया है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सुनीता सिंह, बीजेपी नेता, साथ ही हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता किरण घई, अनुपमा राव गायिका, ये भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। और आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले सुनीता, अभी जब वो रिपोर्ट मुबारक बेगम की हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। आपने कहा कि आपने मुबारक बेगम को सुना है और उनकी गायकी आपको बहुत पसंद है, आपको याद है मुबारक बेगम? जी जी, हम लोगों का मतलब बचपन जो है इन्हीं पुराने ओल्ड सॉन्ग से ही शुरुआत, हमने बचपन से यही गाने सुनते हुए हम लोग आए हुए। तो मेरे फादर भी बहुत बड़े फैन थे सॉन्ग्स के, और ये सिंगर्स उनके जुबान से मैंने सुना था, और इतनी तारीफ सुनने के बाद से, और जी 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 तारीफ सुनने के बाद से फिर जो भी है आज ये हालात उनका देखते हुए, तो मुझे भी मैं बहुत शॉक्ड हूँ। आपने उनको गीत सुना है कभी तन्हाइयों में? जी जी, कभी तन्हाइयों में। और आपने देखा कि आज वो किस कदर तन्हा है, जी, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। जी जी जी, तो क्यों आखिर हमारे देश में ऐसा होता है, इस समाज में ऐसा होता है? एक महिला जो एक पार्श्व गायिका है और उसने खूब नाम कमाया है, क्या सिर्फ इसलिए कि उनके साथ ये भेदभाव हुआ क्योंकि वो एक महिला गायिका थी और कोई ज्यादा सॉलिड बैकग्राउंड या पुश नहीं था उनके साथ में? नहीं, सॉलिड बैकग्राउंड देखिए, ये हमारे समाज में ना ये एक आम सा बात हो गया है, औरतों को और आदमियों दो एक दो अलग पहलू को लोग दोनों तरह से अलग तरीके से देख रहे हैं लोग। अब न्याय और अन्याय की जहाँ तक बात हो, तो मतलब एक और महिलाओं को जो न्याय सहती हैं वो उससे भी ज्यादा अन्याय जो नहीं सह मतलब सहने वाली बात होती है, जो आप अन्याय मत सही वो सबसे बड़ा और गुनाह है। तो उनके साथ भी कुछ गलत तो हो ही रहा है, जो भी है आप लोग भी देख रहे हैं ये सब चीजें समाज में भी, और हर औरतों के साथ ये बैक होते जा रही है ये सब इस तरह से महिलाएं। तो हम लोगों को मिलजुल कर महिलाओं को आगे समाज के लिए, चलिए हम आज करना हम है, चलते हैं अनुपमा राव के पास, गायिका अनुपमा राव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं। अनुपमा, आपने मुबारक बेगम को कभी सुना है, उनके गीत आपने सुने हैं, गुनगुनाए हैं? जी, मैं खुद सिंगर हूँ और मैं बचपन से गाती आई हूँ, और इन लोग जो ये आइकॉन्स हैं हमारे देश में, इनकी इनकी आवाज सुने बिना मेरे ख्याल से हमारी खुद की शिक्षा पूरी नहीं होती है अगर हम इन लोगों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सब आइकॉन्स हैं हमारे लिए। अब मुबारक बेगम का आपका पसंदीदा गाना? जो सबका है, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। और आपको पता है आज वो कितनी तन्हा है? मुंबई में जोगेश्वरी में रहती हैं, बेटी बीमार है, 700 रुपए मासिक पेंशन लेती हैं। आपको क्यों क्या लगता है कि क्यों ऐसी हालत हुई उनकी? देखिए, आज का जो दौर है ये एक तरह से हम मार्केट प्लेस में बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई है, और मुझे लगता है कि शायद इनकी क्योंकि डिमांड नहीं है तो, और इनको कमर्शलाइज अब नहीं किया जा सकता है, तो इस वजह से इनकी सप्लाई बंद कर दी गई है। ऐसे लोग अब हाशिए पर हैं, इनको साइड ट्रैक कर दिया जाता है। तो अगर हम बाकी हम इस तरह से हम बैठ, आप हिस्ट्री उठा के देखें, कभी राजा रजवाड़ों के समय में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम हमेशा से देखते आए हैं कि उन लोगों ने कलाकारों को रत्नों की तरह सहेज के रखा, और कलाकार का मतलब होता है फक्कड़पन। ये लोग फक्कड़ होते हैं तभी इतनी कला को समर्पित हो पाते हैं, और इसी वजह से ये अपने भविष्य की, अपने परिवार वालों की कोई चिंता नहीं करते, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं। तो जब उस जमाने में राजा रजवाड़े उनकी रक्षा कर सकते, संरक्षण कर सकते थे, तो आज क्यों नहीं? आज